दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमाशंकर और आप देख रहे हैं मौर्या किचन अप्लाइंसेज एंड इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर दोस्तों कुकर रिपेयरिंग से वीडियो संबंधित वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये कुकर का ढक्कन है 5 लीटर का। तो कस्टमर लेके आया है, दे गया दुकान पर, इसको रिपेयर करना है। तो इसमें क्या कमी है, कैसे ठीक होगा, क्या लगेगा, क्या लगाना है, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। तो खासकर उन भाइयों से कहूंगा कि वीडियो पूरा देखें जो इस फील्ड में किचन अप्लाइंसेज की दुकान करना चाहते हैं और मिस्त्री बनकर दो पैसा अर्न करना चाहते हैं खुद की दुकान खोलकर। तो दोस्तों चूल्हा रिपेयरिंग, कुकर रिपेयरिंग, भट्टी रिपेयरिंग, तमाम तरह की रिपेयरिंग की वीडियो आएगी। तो दोस्तों एक एक काम आप सीखते रहिए। और वो भाई भी जिनके घरों में ये कुकर इस्तेमाल होता है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी है और ये वीडियो देखकर अपना कुकर खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो इस कुकर में दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये यूनाइटेड का है, ब्रांडेड है, यूनाइटेड है। यूनाइटेड में थोड़ा ये प्ले रहता है दोस्तों, थोड़ा सा इतना प्ले रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्ले हो गया है। आप देख रहे हैं ये ऊपर नीचे भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है और इधर से भी हिल रहा है। अगर इस तरह से कमी आती है तो क्या होता है दोस्तों, ये जो इसका हैंडल है, हैंडल का ये जो होल कटा होता है हैंडल में, ये होल, ये यहाँ से एल्युमिनियम इसका कटते कटते होल ज़्यादा चौड़ा हो जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये प्ले ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो इसको सही करना है और देख लेते हैं इसमें क्या कमी है। सेफ्टी वाल तो सही है दोस्तों, अभी ये ढीला नहीं है, ना इश्यूज है। वेंट पाइप भी सही है और रबड़ भी काम लायक है। और दोस्तों इसके ढक्कन पर यहाँ साइड में देखते हैं, इसके खांचे पर जहाँ रबड़ बैठता है तो बराबर दूरी होना चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे चोट लग के ये दब गया, यहाँ दब गया है, यहाँ सब दब गया है, यहाँ भी दबा हुआ है, आप देख रहे हैं। और यहाँ देखिए ठीक है, ये यहाँ ठीक है, यहाँ देखिए दब गया है, ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, यहाँ दब गया है। इसको हमें फैलाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, यानी कि जो ये ठीक ठाक है इसके बराबर इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सही है और यहाँ फिर दबा हुआ है, तो इसको इधर चोट मार के औजार से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सही करना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं करेंगे तो रबड़ लगाने के बाद ये साइड से जो है सारा प्रेशर निकल जाएगा और सीटी नहीं बनेगा दोस्तों। तो इसको रिपेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। तो दोस्तों ये 13 नंबर का पाना आप लेंगे, ये इसमें फिक्स बैठता है, इससे हमको खोलना है। या आप इस तरह का एडजस्टेबल रिंच ले सकते हैं, तो मैं खोलता हूँ इसको। तो इस तरह से कुकर को रखना है दोस्तों, या इस तरह से भी आप ले सकते हैं, इस तरह से पकड़िए कि रिंच छटक के आपको लगे ना, तो इस तरह से भी खोल सकते हैं। नहीं खुल रहा है तो ताकत ज़्यादा ले रहा है, इस तरह से खड़ा करके इसको प्रेस करिए नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये खुलेगा, खुल रहा है दोस्तों धीरे धीरे। काफ़ी ताकत लग रहा है, लेकिन ताकत लगेगा दोस्तों। इसको आप खोल लीजिए धीरे धीरे, तो दोस्तों ये खुल गया। हम क्या करेंगे, एक वार्सल लेना इस तरह का दोस्तों, आता है मोटा वार्सल अलग से, ये लोहे का है, तो इसको यहाँ ऊपर लगाना है, इसको यहाँ लगा देंगे, ये जो आप देख रहे हैं तो इसको यहाँ वार्सल लगा देंगे दोस्तों। यहाँ लगाने के बाद उसी तरह से हमको लगा देना है जैसे लगा हुआ था। तो जो प्ले था हत्थे में, हैंडल में, वो दूर हो जाएगा दोस्तों। तो इसको मैंने लगा के टाइट कर दिया दोस्तों, देख रहे हैं इस तरह से ये टाइट हो गया, अच्छी तरह से लग गया यहाँ दीवार से, देख रहे हैं बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें
रबड़ ख़राब था तो यूनाइटेड का रबड़ दो उसको। इस वक्त 30 प्रिंट है, इसको लगा देते हैं। इसको सीधा करना रह गया दोस्तों, एक मिनट। ये जो टेढ़ा है जहाँ जहाँ दोस्तों टेढ़ा है वहाँ वहाँ हम इसको लगा कर सीधा कर देंगे। इस औजार से दोस्तों थोड़ा सा यहाँ और रह गया, लगा देंगे। इस तरह से रबड़ लगाया जाता है दोस्तों, खींच के इस तरह से लग गया रबड़, ठीक है। अब इसका जो है दोस्तों रबड़ का प्लस थोड़ी सी रिपेयरिंग का 10 रुपये बढ़ा के 40 रुपये ले लिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह रिपेयरिंग से जुड़ी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।